दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड पर यह बताऊंगा कि अमेजिंग शॉर्टकट का यूज़ करते हुए क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कैसे करें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो बिना वेट किए चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एमएस वर्ड ओपन करके रखा है, तो अभी यहाँ पर केवल एक ही पेज है। तो चलिए इसमें हम दो पेजेस और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अगर कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे, जैसे अभी हम कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर एक हमारा पेज और ऐड हो चुका है, यानी कि अभी केवल दो पेज हो चुके हैं। अब हमको एक पेज और ऐड करना है। तो दूसरी हमारी शॉर्टकट की है Alt प्लस आई प्लस बी प्लस एन। देखिए हम Alt IBN को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आया। इसके बाद सिंपली इंटर को प्रेस कर देना है, बस आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यानी कि अब इस फाइल पर टोटल तीन पेजेस हो चुके हैं। हालांकि पेज कितने भी हों इससे कोई मतलब नहीं। ओके, अब चलिए देखते हैं कि क्रॉस रेफरेंस को कैसे यूज़ करें। तो दोस्तों अभी हम लास्ट वाले पेज पर हैं, और फॉर एग्जांपल हेडिंग के तौर पर यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे स्किल नॉलेज टाइप कर लेते हैं। अब इस हेडिंग के नीचे आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद इसको यहीं पर छोड़ देना है और इसके ऊपर दूसरे पेज पर चलते हैं। तो दूसरे पेज पर भी फॉर एग्जांपल हम हेडिंग के तौर पर कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे देखिए गुफरान टाइपिस्ट यहाँ पर हमने टाइप कर लिया। दोस्तों यहाँ तक आप सब कुछ समझ चुके होंगे। इसके बाद दोस्तों ये दोनों हेडिंग जो हमने टाइप किया है, अब इन दोनों हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है। वैसे आपके पास कितनी भी हेडिंग्स हों कोई दिक्कत नहीं, हम आपको प्रैक्टिकल समझा रहे हैं। ओके, तो चलिए हम अपनी दोनों हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और सीखने को मिलेगी। देखिए कंट्रोल को दबा के रखना है और माउस से पहले इस नाम को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर लास्ट वाले पेज पर आते हैं। यहाँ पर भी कंट्रोल दबा लेते हैं और इस नाम को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि कंट्रोल दबा के आप अलग अलग कितनी भी हेडिंग्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, हेडिंग्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको हेडिंग का फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो रास्ते हैं, चाहे तो आप माउस से इस पर क्लिक कर दीजिए जहाँ पे हेडिंग लिखा है। अगर माउस से नहीं करना है और शॉर्टकट का यूज़ करना है तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वन, यानी कि कंट्रोल आल्ट वन को जब प्रेस करेंगे तो आपके सिलेक्टेड वर्ड इस फॉर्मेट पर हो जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है, अगर आप हेडिंग का फॉर्मेट नहीं लगाएंगे तो क्रॉस रेफरेंस का यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद चलिए फर्स्ट पेज पर आते हैं। तो पहले पेज पर हम सबसे ऊपर इंडेक्स टाइप कर देते हैं। इतना करने के बाद हम इसको सेंटर में कर देते हैं और इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा और बोल्ड कर देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर Alt प्लस A प्लस I प्लस T, यानी कि Alt AIT को प्रेस करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर तीन कॉलम बना लेते हैं। इतना करने के बाद जो हमारा पहला कॉलम है उसमें हम सीरियल नंबर मेंशन कर देते हैं। इसके बाद दूसरे कॉलम में हम लेसन टाइप कर देते हैं, और लास्ट वाले कॉलम में हम पेज मेंशन कर देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ई को प्रेस करके इन सभी को सेंटर में कर देते हैं, फिर कंट्रोल प्लस बी को प्रेस करके इन सभी को बोल्ड कर लेते हैं। ओके, इसके बाद ये जो सीरियल नंबर वाला कॉलम है तो अभी हम इसमें वन मेंशन कर देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो लेसन वाले कॉलम में आपको कुछ टाइप नहीं करना है और यहाँ पर आपको क्रॉस रेफरेंस ओपन करना है। तो यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस ओपन करने के दो रास्ते हैं। एक तो आप माउस से सीधे इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें, इतना करने के बाद आपको यहाँ लिंक्स में क्रॉस रेफरेंस दिखेगा, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर हमारा क्रॉस रेफरेंस ओपन हो चुका है। इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब चलिए इसकी शॉर्टकट की सीख लेते हैं। तो Alt प्लस N प्लस RF,
यानी कि Alt को दबा के छोड़ देना है और जस्ट N और RF को प्रेस कर देना है। Alt N RF को प्रेस करने पर आप देखेंगे कि क्रॉस रेफरेंस ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान से समझना है, देखिए ये जो रेफरेंस टाइप है तो इसमें आपको हेडिंग सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको पहली वाली हेडिंग सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट रेफरेंस टू का, तो यहाँ पर आपको हेडिंग टेक्स्ट चॉइस करना है। इसके बाद इंसर्ट पर क्लिक कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। ठीक, इसके बाद अपने कर्सर को टैब का यूज करते हुए इस पेज वाले कॉलम में ले आइए, फिर आपको क्रॉस रेफरेंस ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको इंसर्ट रेफरेंस टू में पेज नंबर चॉइस करना है, फिर सिंपली इंसर्ट पर क्लिक कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर टू लिखते हैं और नेक्स्ट कॉलम में पहुँचने के बाद क्रॉस रेफरेंस फिर ओपन कर लेते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको रेफरेंस टाइप में हेडिंग को लेना है और अपनी दूसरी हेडिंग पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले ऑप्शन में यहाँ पर आपको हेडिंग टेक्स्ट लेना है, फिर सिंपली इंसर्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद इस बॉक्स को क्लोज कर देना है। इसके बाद टैब का यूज करते हुए नेक्स्ट कॉलम में आ जाइए, फिर क्रॉस रेफरेंस ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको दूसरी हेडिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेज नंबर चॉइस कर लेना है। इसके बाद जल्दी से इंसर्ट पर क्लिक कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। तो दोस्तों इसी तरह आप कितनी भी हेडिंग्स को इस तरह से इंडेक्स कर सकते हैं। अब अगर आपको अपने किसी हेडिंग पर डायरेक्ट पहुंचना है, जैसे अभी हमको अपनी स्किल नॉलेज की हेडिंग पर जाना है, तो कंट्रोल दबा के रखना है और माउस से अपनी इस हेडिंग पर क्लिक कर देना है, तो आप डायरेक्ट अपनी उस हेडिंग पर पहुंच जाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद फिर हम फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं और देखिए अगर आप हेडिंग से नहीं पेज नंबर से जाना चाहते हैं, तो जैसे अभी हमको दूसरे पेज या पहली हेडिंग पर जाना है, तो कंट्रोल प्लस माउस की लेफ्ट क्लिक यानी कि कंट्रोल को दबाएं और माउस से इस पेज नंबर पर क्लिक कर दीजिए, बस आप वहां पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि अब आप क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करना सीख चुके होंगे। दोस्तों मैं इस तरह की तमाम वीडियोस रोज़ाना लेकर आता रहता हूं, इसलिए सब्सक्राइब किए बगैर ना जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।